गुरु प्यारी सात संगत जी ओ राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी सात संगत जी ओ, आज की ये रूहानी साखी पंडितों से पूजा पाठ की साखी है, जो कि पंडितों से पूजा पाठ करवाते हैं उनके लिए ये एक रूहानी साखी है। गुरु प्यारी सात संगत जी, यह साखी एक सत्संगी की है जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं और उन्हें नाम मिला हुआ है और उनका एक अच्छा बिजनेस भी है। तो गुरु प्यारे सात संगत जी, आज की इस रूहानी साखी में हम सबको पता चलेगा अगर हमें नाम की बख्शिश हो गई है और उसके बाद हम अपने गुरु पर विश्वास नहीं करते हैं तो उसका क्या नतीजा होता है। आइए इस साखी को पूरे श्रद्धा भाव और तन मन से सुनते हैं। कृपया विनती है कि साखी को पूरा सुने। गुरु प्यारे सात संगत जी, एक सत्संगी परिवार जो कि दिल्ली में रहता है, उनका एक बहुत अच्छा बिजनेस है। सात संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि बिजनेस में कोई ना कोई बात तो होती रहती है। बिजनेस में कभी हानि हो जाती है, कभी लाभ हो जाता है। यह दो चीजें बिजनेस में होती ही रहती हैं और जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनका पूरा पूरा दिन काम में चला जाता है, बिजनेस में ये सब चलता रहता है। बिजनेस करने वाले लोग बहुत ही व्यस्त रहते हैं। तो गुरु प्यारी सात संगत जी ऐसे ही इस सत्संगी परिवार के साथ भी था और उनके पड़ोस में ही उनके मित्र रहते थे जो कि हिंदू थे और पूजा पाठ करते थे। वह दोनों परिवार एक दूसरे के घर आते जाते उनका अच्छा मेल मिलाप था और उनका भी बिजनेस था और बिजनेस में उनकी पार्टनरशिप भी थी, जिसके कारण उन दोनों परिवारों के बीच एक अच्छा रिश्ता बना हुआ था। लेकिन कुछ देर के बाद दोनों ने अपने अपने बिजनेस अलग अलग कर लिए क्योंकि उनका काम अच्छा चल पड़ा था। लेकिन इससे उनके रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं आई, दोनों का काम अच्छा चल रहा था और जो सत्संगी परिवार था उन्हें मालिक पर भरोसा था, विश्वास था। लेकिन सात संगत जी, जैसे कि आप जानते ही हैं कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसका हल हमारे पास ना हो तब हम डोल जाते हैं, हम अपने मन के पीछे लगकर डोल ही जाते हैं और हमारे अंदर विश्वास की कमी आ जाती है। तो ऐसे ही इनके साथ भी हुआ, इन्हें बिजनेस में कोई हानि हो गई और उन्होंने अपनी सारी बात अपने पड़ोस के मित्र के साथ साझा की, उनके साथ वार्तालाप की कि इसका क्या हल हो सकता है, क्योंकि उन्हें बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था और वह बहुत परेशान थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने मित्र से इसके बारे में चर्चा की, इसके बारे में बात की ताकि इसका कोई हल निकाल सके। तो गुरु प्यारे सात संगत जी, जैसे कि आप जानते हैं कि जो पूजा पाठ करते हैं अगर उन्हें ऐसे कोई मुश्किल आ जाती है तो वह इसके लिए उपाय करते हैं, जिसके पास जाने के लिए बोला जाता है उसके पास जाते हैं। तो उन्होंने भी
अपने मित्र को ऐसी ही सलाह दी कि तुम हमारे पंडित जी के पास जाओ, वह तुम्हें उपाय बताएंगे और तुम्हारी इस मुश्किल का हल करेंगे। तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। उन्होंने उनका पता बता दिया और उन्होंने वैसे ही किया, वह उनके पास चले गए। क्योंकि साध संगत जी, जब भी ऐसी कोई स्थिति होती है तब हम डोल ही जाते हैं, हमारे अंदर विश्वास बिल्कुल भी नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में जो मालिक पर विश्वास रखता है, कुल मालिक पर भरोसा रखता है, मालिक उसकी संभाल जरूर करता है। लेकिन जो डोल जाते हैं तब मालिक को ये देखकर दुख भी होता है कि मेरे बच्चों को मेरे पर विश्वास नहीं है। तो उन्होंने भी ऐसे ही किया, उनके बताए अनुसार उनके पास चले गए। और जब वे उनके पास गए तो जो वह सत्संगी था उसने अपना हाथ उनको दिखाया, और जब उन्होंने अपना हाथ उनको दिखाया तब जो पंडित जी थे उन्होंने हाथ देखकर बोल दिया कि तुम्हारा गुरु इतना बड़ा है, गुरु की शरण तुम्हें मिली हुई है, तुम्हें किस बात की चिंता है। पंडित जी ने हाथ देखकर कहा कि तुम्हें हाथ दिखाने की क्या जरूरत है, तुमने तो बहुत पहुंचे हुए गुरु से नामदान लिया हुआ है, तुम अपने गुरु की शरण में जाओ। तब उस सत्संगी ने कहा कि मैं जैसे कर्म करूंगा मुझे वैसा ही फल मिलेगा, गुरु जी के होने से मेरे कर्मों का फल तो नहीं बदल जाएगा। पंडित जी ने कहा कि ये सत्य है कि कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, लेकिन जब गुरु साथ में होता है तो कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। और ये बात सुनकर उस सत्संगी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। तब उसे पंडित जी ने समझाने की कोशिश की कि अगर तुम क्रिकेट का बल्ला बेचने जाओ तो तुम्हें उसकी क्या कीमत मिल सकती है। तो उस सत्संगी ने जवाब दिया कि कुछ हजारों में मुझे उसकी कीमत मिल सकती है, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं मिल सकती। और यह बात सुनकर पंडित जी ने कहा कि अगर वही बल्ला सचिन तेंदुलकर बेचे तो उसकी कीमत कितनी होगी। तब उस सत्संगी ने कहा कि अगर वह बल्ला सचिन तेंदुलकर बेचे तब उसकी कीमत लाखों में जा सकती है। और उसके बाद पंडित जी ने कहा कि अगर तुम्हें कोई गाने के लिए कहे तो तुम्हें कितने पैसे मिल सकते हैं। तो उस सत्संगी ने कहा मुझसे गाना सुनना कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई महान गायक गाना गाए तो उसे लाखों में उसकी कीमत मिल सकती है। तो यह बात सुनकर पंडित जी ने कहा बिल्कुल सही, इसी तरह तुम्हारी किस्मत का फैसला तुम्हारे गुरु के हाथों में होने के कारण उसकी कीमत बढ़ जाती है। पंडित जी की यह बात सुनकर वह सत्संगी अपने गुरु की महानता को समझ गया था और उस समय उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे कि मैं भटक गया था, मेरे मालिक ने मेरा मार्गदर्शन फिर से कर दिया। और उस समय उसे अपने सतगुरु पर विश्वास हो गया, मालिक की कृपा उस पर हो गई। और तब उसने अपना हाथ किसी को ना दिखाने और केवल अपने गुरु पर विश्वास रखने की बात कही कि वह आज से अपना हाथ किसी को नहीं दिखाएगा और अपने गुरु के हुक्म में रहकर, गुरु के भाने में रहकर जीवन व्यतीत करेगा और अपने सतगुरु पर विश्वास रखेगा। ऐसा प्रण उस सत्संगी ने लिया। तो गुरु प्यारे सत्संग जी, इस साखी से हमें
यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कभी ना कभी हम भी डोल जाते हैं, क्योंकि अभी हमारी अवस्था वह नहीं है जो कि एक कमाई करने वाले सत्संगी की होती है, जिनकी सूरत हर समय मालिक से जुड़ी रहती है। वह पृथ्वी पर है लेकिन उसकी सूरत मालिक से जुड़ी रहती है, और जब तक हमारी अवस्था वह नहीं बन जाती तो हमें अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रख कर इस मार्ग पर चलना है, अपने सतगुरु की खुशियां प्राप्त करनी है। तो गुरु प्यारी सत्संग जी, आज की इस साखी को यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाबा जी की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। गुरु प्यारी सत्संग जी, राधा स्वामी जी।